नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ वो महान शख्सियत मौजूद हैं, सावित्री जी, जिन्होंने बाबा साहब को बहुत अच्छे से पढ़ा और उनको अपनी कलम से एक नई रचना दी। सावित्री जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पहले तो धन्यवाद जी। जय भीम। सावित्री, आपकी बहुत सारी नज़्म और बहुत सारी किताबें आपकी आती हैं। मैं चाहूँगा एक नज़्म या एक कोई बाबा साहब के बारे में कुछ आप हमें दर्शकों को बताएं। सुना देती हूँ जी, बाबा साहब के बारे में सुनाती हूँ। भीम बाबा के जैसा मसीहा इस जमीन पे ना है कोई आया, रहनुमा बेकसों के थे बाबा, न्याय सबको जिन्होंने दिलाया, ज्ञान का दीप रोशन करे जो दिल में साहस व हिम्मत भरे जो, ज्ञान का दीप रोशन करे जो दिल में साहस व हिम्मत भरे जो। भीम बाबा ही थे महामनीषी, देश को जिसने ऊंचाई उठाया, भीम बाबा के जैसा मसीहा इस जमीन पे ना है कोई आया, देश भक्तों में वो सबसे आगे, चाहते थे मेरा देश जागे, भारत के लोग क्यों अभागे, सब हैं संतान भारत माँ के, वो रतन हिंद के भीम बाबा जिनका गौरव है दुनिया में छाया, हक हमको दिलाने की खातिर सारी इशरत लुटा दी जिन्होंने, बेजुबानों की उस बेबसी पर खुद की संतान गंवा दी जिन्होंने, ना कदम कोई पीछे हटे अब, भीम बाबा का हम पे है साया। ये 2 अप्रैल के कार्यक्रम के बाद ये 4 लाइनें लिखी गई हैं। उनके तप का असर हो रहा है, कारवां अग्रसर हो रहा है, बाबा के मुबारक कदम थे रोशन ये नगर हो रहा है, सब्ज रखेंगे बूटा सावित्री अपने बाबा ने जो है लगाया, भीम बाबा के जैसा मसीहा इस समय पे ना है कोई आया। आप थे हमारे साथ सावित्री जी, जिन्होंने बाबा साहब के ऊपर एक नई ढेरों सारी कविताएं, नज़में लिखी हुई हैं, और बाबा साहब की वो नज़में लिखी हुई हैं जो टीवी सैटेलाइट पे बहुत अच्छे से चलती रहती हैं। आपने हमारे चैनल से बात करी, इसके लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।